मैं हूं सबाफरीन, टीम न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं तफसीलात। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम, मैं हाफिज ख्वाजा, टीम न्यूज चैनल में आप तमाम हजरात का खैर मकदम है। नाजरीन, कल बरोज़ हफ्ता बाद नमाज ईशा मस्जिद आमिरा एबिट्स में कमेटी की जानिब से पहली बार एक शानदार नातिया महफिल मुनाकिद की गई, जो अल्हम्दुलिल्लाह ईशा की नमाज के बाद से लेकर रात 12:30 बजे तक जारी रहा। और इसमें शहर हैदराबाद के मशहूर और मायानाज शुरा इकराम तशरीफ़ लाए और इन्होंने अपना कलाम सुनाकर महफिल को लूट लिया, जिसमें जनाब फुरक़ान साहब और जनाब अब्दुस्सलीमुद्दीन साहब के अलावा पीर अब्दुल साहब ने भी बेहतरीन कलाम पेश किया। इसके बाद हैदराबाद के मशहूर शायर हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम वाहिद साहब ने भी हैदराबादी और दखनी आवाज़ में अपने अशार पेश किए। और आखिर में मस्जिद आमिरा एबिट्स के इमाम व ख़तीब हज़रत मौलाना मुफ्ती इकरामुल हसन मुबशिर साहब ने अपने शानदार निज़ामत के ज़रिए से महफिल की कार्रवाई चलाई और मौलाना ने ख़ुद अपनी नातिया कलाम भी दखनी ज़ुबान में सुनाया। इस नातिया महफिल में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत बड़ी जमात मौजूद रही। जनाब मसूद साहब और जनाब सलीम साहब ने आने वाले मेहमानों का अच्छे अंदाज में इस्तकबाल किया और कमेटी के दूसरे अराकीन भी शुरू से लेकर आखिर तक इंतज़ाम में मसरूफ़ रहे और आखिर में दुआ के ज़रिए इस शानदार नातिया महफिल का इख्तिताम हुआ। मेरी मुराद जनाब खुसरू साहब मरहूम के, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मगफिरत फरमाए, उनके साहिबजादे जनाब शाहान भाई इस اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والفقر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة. اے اللہ تمام مسلمین کو ہر کی مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ فرما. اے اللہ آنے والے مشکل حالات میں ہم سب کو صبر اور حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس مجلس میں بیٹھنے اور نادوئی کو قبول فرما. اے اللہ جملہ پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سب پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما. اے اللہ اس نادوئی کی محفل کو قبول فرما اور بار بار انعقاد کی توفیق نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.